में बिकनी टाइप की मिनी माइक्रो स्कर्ट और ब्रॉलेट पहनकर वायरल होने वाली रिदम चनाना को लेकर सोशल मीडिया पर तो बहस चल ही रही थी, अब कानून के हाथ भी उनकी ओर बढ़ सकते हैं। दरअसल पंजाब की रहने वाली 19 साल की रिदम चनाना दिल्ली में एक एक्टिंग स्कूल में कोर्स कर रही हैं। पिछले दिनों वह माइक्रो स्कर्ट और ब्रॉलेट पहनकर पिंक लाइन मेट्रो में चढ़ी तो देखने वाले हैरान रह गए। कुछ देर तक तो लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर इतनी छोटी ड्रेस में ये लड़की मेट्रो में क्यों आई है। बाद में कुछ लोगों ने चुपचाप उनकी वीडियो बना ली और फोटो खींच ली। साथ ही ये वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद से बहस का दौर शुरू हो गया। लोग इस बात पर बहस करने लगे कि क्या सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह के कपड़े पहनना ठीक है। कोई इसे संस्कृति और शिष्टाचार के खिलाफ बता रहा था तो कोई महिला की आजादी की दुहाई देकर रिदम का समर्थन कर रहा था। बात सोशल मीडिया की बहस तक ही रहती तो ठीक था, अब बात कानून पर भी आ गई है। कानून की बात करें तो दिल्ली मेट्रो ने इस मामले में अपने नियम साफ किए हैं। दिल्ली मेट्रो ने कहा है कि DMRC का संचालन और रखरखाव अधिनियम में अभद्रता को धारा 59 के तहत अपराध के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। साथ ही मेट्रो ने कहा है कि हम अपने यात्रियों से अपील करते हैं कि वो मेट्रो जैसी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में यात्रा करते समय मर्यादा बनाए रखें। यात्रा करते समय कपड़ों की पसंद जैसे मुद्दे एक व्यक्तिगत मुद्दा है। यात्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक जिम्मेदार तरीके से आचरण को स्वविनियमित करें। इसके अलावा भारतीय कानून में भी अश्लीलता को अपराध माना जाता है। IPC की धारा 292, 293 और 294 के तहत अश्लीलता फैलाने पर सजा हो सकती है। अश्लीलता को लेकर कानून में स्पष्टता की स्थिति नहीं है कि किस गतिविधि को अश्लील कहा जा सकता है। कानून के जानकारों का कहना है कि अगर कोई शख्स ऐसी अभद्र सामग्री, किताब या अन्य आपत्तिजनक सामान बेचे या सर्कुलेट करे जिससे दूसरों को नैतिक रूप से परेशानी हो तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी को 2 साल की सजा और ₹2,000 जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर दूसरी बार भी वह ऐसे ही मामले में दोषी पाया जाता है तो 5 साल की जेल और ₹5,000 जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा IPC धारा 509 के तहत अगर कोई व्यक्ति महिला की शील या लज्जा भंग करने वाली चीज दिखाता या बोलता है तो उसके खिलाफ IPC की धारा 509 के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें 3 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। ये तो थी कानून की स्थिति, लेकिन बड़ा सवाल है कि देश में अपनी मर्जी से कपड़े पहनने की स्वतंत्रता भी है। अब रिदम ने जो ड्रेस पहनी थी वह आजादी के दायरे में आएगी या अश्लीलता के दायरे में, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अगर रिदम पर अश्लीलता का केस दर्ज हुआ और वह दोषी पाई गई तो 2 साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।